हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राम राम। तो कैसे हो आप सभी? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जर्नलिस्ट सूर्यवंशी, घूमो इंडिया मेरे साथ। तो अभी हमें शकुरबस्ती रेलवे स्टेशन पे, और आज छुट्टी का दिन है, तो मेरे साथ में छोटा शैतान आया हुआ है और इसको स्टेशन घूमना है, तो हम लेके आए इसको स्टेशन पर। तो मैंने कहा चलो आपको भी आज कुछ ट्रेनें दिखाते हैं, तो चलिए करते हैं वीडियो की स्टार्ट। तो जब हम स्टेशन पर पहुँचे तो यहाँ से निकल चुकी थी गोरखधाम एक्सप्रेस, आज अपने टाइम से लेट चल रही थी, जो आपका गोरखपुर से आती है और यहाँ जाती है आपका बठिंडा। पहले हिसार तक थी, उसको आगे बठिंडा तक कर दिया है। अभी आ रही है दिल्ली कैंट से बठिंडा के बीच में चलने वाली ट्रेन, जो कि बठिंडा सुपरफास्ट एक्सप्रेस है, जो पहले दिल्ली से चलती थी, अब वो बठिंडा से चलने लग गई है, दिल्ली कैंट से चलने लग गई है। तो चलिए उसको दिखाते हैं, पहले आपको अराइवल, फिर आपको दिखाते हैं डिपार्चर। मिलते हैं आपको फिर से। इसको कुछ कहना है, बोलो। वीडियो को लाइक और चैनल पर सब्सक्राइब करना। बाय गाइस, ये भाग गया, चलिए हम भी चलते हैं। बाय बाय। ट्रेन नंबर 20409 दिल्ली कैंट से लेके बठिंडा के बीच में चलने वाली ट्रेन ये आ रही है सामने, WAG 4 लोकोमोटिव के साथ में। ये एक डेली ट्रेन है जो कि 7:40 दिल्ली कैंट से छूटती है और 12:30 बठिंडा पहुंच जाती है। चलिए बात करते हैं ट्रेन के बारे में। तो ये ट्रेन चलती है दिल्ली कैंट से, पहले ये ट्रेन पुरानी दिल्ली से चला करती थी, पर उसका रूट चेंज होकर दिल्ली कैंट से चलती है 7:40 पर। उसके बाद शकुरबस्ती आती है 8:08 पर, उसके बाद बहादुरगढ़ आती है 8:28 पर, उसके बाद रोहतक पहुँचती है ये 8:57 पर, उसके बाद जींद 9:37, उसके बाद नरवाना 10:04, उसके बाद जाखल 10:34, उसके बाद मानसा 11:08, उसके बाद सीधा बठिंडा 12:30 ये ट्रेन बठिंडा पहुँच जाती है। ये ट्रेन दिल्ली कैंट से बठिंडा के बीच में 299 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती है डेली। तो ट्रेन का सिग्नल हो चुका है, आप देख सकते हैं। ये देखिए आपका, अगर जूम करके दिखाऊँ थोड़ा सा और जूम करूँ तो देखिए आपको येलो सिग्नल मिल जाएगा ट्रेन का, और ट्रेन किसी भी टाइम चल सकती है। ट्रेन का वैसे यहाँ स्टॉपेज 2 मिनट का है, पर 5 मिनट हो गए ट्रेन को खड़े खड़े, सिग्नल होने के बाद ही 5 मिनट हो चुके ट्रेन को ही खड़े हुए। ये ट्रेन भिवानी हिसार होके नहीं, ये आपका जीन जाखल का रास्ता जाती है। ट्रेन का हॉर्न भी हो चुका है और देखिए ट्रेन चल पड़ी है। ये देख आप देख सकते हो ट्रेन हल्के हल्के चलनी शुरू हो गई है, और ये ट्रेन बाकी ट्रेनों के मुकाबले काफ़ी जल्दी पहुंचती है बठिंडा। बाकी ट्रेनें 5:30 से लेकर 7 घंटे के बीच में टाइमिंग लेती है, पर ये जो ट्रेन है ये 4:50 पर बठिंडा पहुंच जाती है। क्योंकि इसके अलावा अगर मैं दूसरी ट्रेनों की बात करूं तो जो पातालकोट एक्सप्रेस है वो 5:45 लेती है, फरुखा एक्सप्रेस है वो 5:45 लेती है, उसी तरीके से गोरखधाम एक्सप्रेस 7 घंटे लेती है, और अगर मैं आपको मेरठ से गंगानगर वाली का बताऊं तो वो 11 घंटे लेती है वो ट्रेन, क्योंकि वो रेवाड़ी घूम के जाती है। और एक और ट्रेन है जो यहाँ रुकती नहीं है, 5:50 लेती है, वो भी 6 घंटे ही लेती है ऑलमोस्ट। और ये अकेली ट्रेन ऐसी है जो आपका लेती है सिर्फ 4:30 में यहाँ से बठिंडा पहुँच जाती है। तो आप उसी के अकॉर्डिंग इसकी रफ्तार देख सकते हो, कितनी तेज़ स्पीड में ट्रेन निकलती है, कितनी फर्स्ट प्रायोरिटी है वैसे तो इस ट्रेन की, और टाइमिंग भी अच्छा है। ये 8:00 यहाँ दिल्ली से चलती है 7:45 के आसपास, और ये 12:30 बठिंडा पहुँच जाती है। तो देखिए कुछ ऐसा, इसमें AC कोच भी बहुत सारे हैं इस ट्रेन में, सबसे आगे इंजन, उसके बाद गार्ड का, उसके बाद 3 जनरल डब्बे हैं, उसके बाद इसमें एक फर्स्ट AC है, एक सेकंड AC है, और उसके बाद आपका एक थर्ड AC एजुकेटिव है, उसके बाद 4 3-टायर AC है, और 4 इसमें स्लीपर कोच है, और एक इसमें स्लीपर एग्जीक्यूटिव भी है। उसके अलावा फिर इस पीछे आपको 2 जनरल डब्बे और एक आपको ट्रेन मैनेजर का डब्बा मिल जाएगा। अगर आप इसमें जनरल में सफ़र करते हो तो आपकी टिकट लगेगी 130 रुपये, स्लीपर में 235, थर्ड AC का 555, सेकेंड AC का 760, और फर्स्ट क्लास AC का जो टिकट है वो है 1255 रुपये। तो
तो ऐसे इसका कुछ फेयर इतना है। आप लोग को अगर ट्रैवल करना तो सबसे बेस्ट ट्रेन है, आप लोग ट्रैवल कर सकते हो। यही ट्रेन वहाँ से 3:55 पर वापस आती है, जो कि 8:50 पर वापस दिल्ली के एंड पहुँच जाती है। तो ले करते हैं वीडियो का एंड। वीडियो से लेकर लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करना। नीचे जो बेल आइकन है उसको जो दबाइएगा तो आपको मेरी सारी इन्फॉर्मेशन एक साथ मिलती है। तो चलिए करते हैं वीडियो का एंड, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। तब तक के टेक केयर, बाय बाय।